प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। स्थानिक नगर सेवक होने के कारण इन्होंने मुझे दो दिन पहले एक एप्लीकेशन दिया। ये साई मुरली रहवासी, ये जो कमेटी है वो 10 साल से इधर कार्यरत है और 10 साल से इधर डेवलपमेंट के पीछे लगी है। लेकिन अभी 3 महीने पहले मुझे ऐसा पता चला, उन्होंने लेटर ऐसा दिया है कि ऐसा पता चला कि 3 महीने पहले एक नई कमेटी इन लोगों ने स्थापन की और कोई भी जनरल बॉडी मीटिंग लिया नहीं और ऐसे ही कमेटी स्थापन करके जो चामुंडा बिल्डर है उनके सहकार्य से उन्होंने एक पैम्पलेट बांटा और उसमें पैम्पलेट में ऐसा लिखा है कि आप अगर सर्वे में सपोर्ट नहीं करोगे बायोमेट्रिक सर्वे में तो आपको अपात्र किया जाएगा। ये कैसे ज़बरदस्ती हुई? ये ज़बरदस्ती जो कर रहे हैं उसके लिए हम लोग के इधर के जो रहवासी उन्होंने उसको अपोज किया है। दूसरी बात ऐसा है कि 30% स्कीम पुटअप होने के लिए उन्होंने शायद 3 दिन या 4 दिन पहले जो 4,000 स्क्वायर फुट की साड़ी कंपनी है और थोड़े से रेसिडेंशियल लोग हैं उन्होंने एक घर का दो घर करने की कोशिश की है और साड़ी कंपनी में 6 दरवाजे अनऑफिशियली उन्होंने निकाले हैं। इसकी सूचना उन्होंने मुझे दी, मैंने इधर के जो असिस्टेंट कमिश्नर है जाधव मैडम है और इधर के जो DMC है आचरेकर साहब है उनसे मेरी फ़ोन पे बातचीत होगी तो उन्होंने मुझे आश्वासित किया है कि इधर आके जो DO है हरिकर उनको इधर भेजेंगे और जो अनधिकृत बांधकाम हुआ है उन पे उन लोगों ने एक्शन लेके वो SRA में उसका जो रिपोर्ट है वो पुटअप करेंगे। हमारी ऐसी मांग है जो करो ऑफिशियली करो, कुछ भी अनऑफिशियली मत करो। मुंबई में जो SRA रखड़े हैं वो अनऑफिशियल के कारण ही रखड़ गए और मेरे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको रोड पे लाना है ऐसी मुझे ख्वाहिश नहीं है। इसके लिए मैं उनके साइड पे इधर आके जिस मुरली का मेरे 10 साल से सेक्रेटरी पद पे हूँ और यहाँ पे जो हमारे इमरान मलिक जो पट्टेदार है उन्होंने ये चामुंडा बिल्डर लाए और ये जो ज़मीन का जो बात था वो चामुंडा ने खरीदा है। सब बोल रहा 5 साल वो चामुंडा ने कुछ काम नहीं किया। मैं बोला तुम बिल्डर हो, ज़मीन नाम पे की हो तो क्यों ना आपने डेवलप किया? तो उन्होंने पट्टेदार को बुला के उन्होंने तो कुछ बाचा बच हो गया, झगड़ा हो गया। फिर उन्होंने हाथ जोड़ के बोले कि रवि भाई हम डेवलप नहीं करेंगे, आप नया बिल्डर लाओ। उस टाइम मैंने हमारे कमेटी ने ये धारीवाल डेवलपर्स लेके उनके बाद धारीवाल को हमने 100% परमिशन दे दिए, सम्मति दी है, हर सर्वे हमने किया है। और ये दिवाली के पहले 2017 के दिवाली के पहले उन्हें प्राइवेट बायोमेट्रिक किया, 92% हमको मिला। उसके बाद ये चामुंडा बिल्डर के जो पार्टनर है उमेश चौहान और अमरनाथ उपाध्याय इन्होंने ये नई कमेटी स्थापन करके कभी ना जनरल बॉडी मीटिंग लिए ना कभी किसी को बताए और SRA में पुटअप किए। हमने SRA में पूछा कि कैसा है तो 144A नया कानून है कि पहला उनको चांस, मालिक को चांस, उनको चांस दिला जाए। वो हिसाब से उन्हें पुटअप किए। पुटअप करने के लिए उनके पास कोई मेजोरिटी नहीं है तो क्या किया अभी उन्होंने कि यहाँ के जो हमारे साड़ी वाले हैं उनको 6 दरवाजे बनाने बोले। कोई लोग घर वाले उनको दो घर दो, एक का दो घर 180 फुट का 90 फुट का घर को 2 दरवाजे बना चालू है। 3 दिन में काम चालू है। ये क्या है? तो हमने तुरंत नगर सेवक साहब के पास गए, फिर सुनील प्रभु साहब जो आमदार है उनके पास गए। सुनील प्रभु साहब उन्होंने डायरेक्ट हमको लेटर दिए, हमको साथ में लेके बैंड्रा में एक सर है के जो CO है दीपक कपूर जी उनके सामने बिठाए। उनके साथ हमारी चर्चा हो, दीपक कपूर साहब ने ये लेटर निकाला कि ये स्थगित ही करो, रुकाओ। और यहाँ गोरेगांव में जो कलेक्टर है उनको बोला क्या है उसका देखो, सही में जो ये लोग कमेटी वाले बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं वो देख लीजिए, उसके बाद आगे काम करो। ये लेटर दिया है, आगे आप लोगों का क्या कदम होगा? हमारा कहना है ये जो धारीवाल जो चामुंडा बिल्डर है, चामुंडा बिल्डर को सब लोगों ने 100% सम्मति दी थी, उन्होंने काम कुछ नहीं किया और उनको पूछने के बाद हमने दूसरा बिल्डर लाया। हमने मनमानी कोई नहीं की, 5 साल तुमने काम नहीं किया इसका दूसरा बिल्डर हमने, फिर दूसरा बिल्डर तुम वापस क्यों ऐसा तक पब्लिक को तकलीफ दे रहे हो? बिल्डर के खिलाफ आप SRA में जाएंगे, कंप्लेन करेंगे? गए हम लोग SRA में जाके आए, कपूर साहब से बात की है,
दीपक कपूर साहब ने लिखा है, दीपक कपूर साहब को लेटर दिया है। मला बिल्डर से लेटर आना सांगितलं, ते कुठून आणू, कोण बिल्डर काय आहे, मला काय सांगित माहित नाही त्याच्याबद्दल। आणि चार फेऱ्या झाल्या त्याच्यानंतर म्हणजे अजून तरी माझं ते काम झालेलं नाही आहे। बिल्डर से लेटर आणायला सांगतो, बिल्डर मिल रहा है, बिल्डर बिल्डर के नाम पे जिसका है पेपर उसको मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, और बाकी लोगों को दे नहीं रहे जो लीगली जा रहे हैं कि हमारा हक का घर है, हमको लाइट बिल हमारे मम्मी के नाम से हमारे खुद के नाम पे करने के लिए तो प्रॉब्लम आ रहा है। और जिसके घर पे दो बंटवारे हो गए उनको मिल जाता है इजीली, क्योंकि उनका साथ में रिलायंस के मेंबर सपोर्ट में है। मेरा नाम देवीदास पांडुरंग पवार है। हमारे चाल वालों ने चामुंडा बिल्डर को पूरी तरह सहमति दे के भी उसने 7 साल कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। उसका रीज़न शायद ऐसा था कि उसको डेवलपमेंट करना ही नहीं था, उसको वो डेवलपर नहीं होके वो दलाल है। इसके लिए उसने प्रॉपर्टी बेचने के लिए हमें ही दूसरा बिल्डर लाने का, और जब उनको उनका पैसे का बात जमा नहीं तो हमने डिसाइड किया कि हम एक्विजिशन से जाएंगे। और जैसे ही उसे पता चला हम एक्विजिशन कर रहे हैं तो उसने 3 महीने में बोगस कमेटी निर्माण की, और वो बोगस कमेटी द्वारा एज अ जगह का मालिक होने के, ये प्रॉपर्टी का मालिक होने के नाते उसने प्रोजेक्ट पुटअप किया। और वो प्रोजेक्ट को उसने दिमाग से, यानी उसको 30% मेजोरिटी दिखाने के लिए उसने चाल के गिने चुने बोगस लोगों को पकड़ के उनके गलत दाखले पुरावे दे के गलत मीटर लगा के उसने 30 जन की कमेटी को 60 जन का कमेटी किया, और वो प्रोजेक्ट पुटअप करने की कोशिश कर रहा है। और ये सब बातें ना चाल में उसने की है, और हमें कभी भी उसने चाल में डेवलपमेंट के बारे में कभी भी उसने मीटिंग नहीं ली, कभी भी चाल वालों की राय नहीं ली, और उल्टा चाल वालों को धमका रहा है कि अगर आप हमें परमिशन नहीं दोगे, सम्मति नहीं दोगे, तो आपको आपका घर नहीं मिलेगा। और ये सर्वे वो ऐसा बोल रहा है कि ये सर्वे महाराष्ट्र शासन कर रही है, यानी वो महाराष्ट्र शासन की धमकी हमें दे रहा है कि महाराष्ट्र शासन आपको घर नहीं देगा अगर ये कमेटी डेवलप नहीं होगी और ये कमेटी तैयार नहीं होगी। और ये मुझे, मैं आपके दर से अर्ज करता हूँ कि महाराष्ट्र शासन को भी अर्ज करता हूँ, एसआरए प्रोजेक्ट में ऐसे बोगस काम करने वाले जो लोग हैं, जो एक या एक घर को दो घर बनाते हैं, एसआरए ने ऐसा कानून बनाने मांगता है कि अगर वो एक घर के बारे में दो घर बनाते हैं तो उनका वो जो है घर, जो ओरिजिनल घर है, वो भी अपात्र ठहरे और उनको स्कीम से बात किया जाए, तभी ये एसआरए में का भ्रष्टाचार रोका जाएगा। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।